हाँ बतूर खाला नाराज मत होना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जब आप नाराज होते हैं मुझसे। भाई मैमुना, तुम्हारी बेटी बहुत नखरे वाली है। अरे 10 दफा बुलाओ तो 1000 दफा नखरे करके 1 दफे आती है। मैंने शाहीन से कहा था कि खरत से कह दो मैं हलीम पका रही हूँ, आ जाए। अब ऐसे चटपटे खाने हम तो नहीं खा सकते ना, बच्चियों को ही शौक होता है मसालेदार खाने खाने का। बतूल खाला, मैं तो चाहती थी आप खुद मेरे पास आए, यूं ही देखना चाहती थी आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती, अकेले अकेले हलीम खाएंगी या मुझे भी खिलाएंगी। देखो तुम मेरे सामने पैदा हुई और बड़ी हुई हो, मैं तुम्हारे ऊंचे दिमाग को खूब समझती हूँ। तो खाला अच्छा चले, मैं बर्तन खाली करके आती हूँ। अरे बतूल आबा, आपको तो पता है इसकी आदत है, मैंने इसे कहा भी तुम्हारी खाला बुला कर गई हैं चली जाओ, कहने लगी कोई दावत हो शादी वलीमा हो तो जाती हुई भी अच्छी लगती, अब क्या मैं सिर्फ हलीम खाने चली जाऊँ। भाई तुम्हारी बेटी है ना, अपनी नाक ऊँची रखती है। हालांकि मैंने बुलाया था मगर मुझे पता था कि ये नहीं आएगी, इसलिए जैसे ही हलीम तैयार हुआ मैं फ़ौरन इसके लिए लेकर आ गई। अच्छा कॉपियाँ चेक होगी? पता नहीं बतूल अबा, आजकल तबीयत बहुत सुस्त रहने लगी है, घर के सारे काम काज भी इसी को करने पड़ते हैं। सीख हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। वसीर भाई मलेशिया चले गए? चले गए, लेकिन इतनी गिल्टी फीलिंग के साथ गया मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उनकी बहन का फ़ोन आ गया और उनको ये लगा जैसे उन्होंने अपनी बहन को कोई वक्त नहीं दिया हुआ ना। मैंने उनसे कहा कि आप और आपका बेटा घर को तो वक्त दे नहीं सकते तो दूसरों को क्या देंगे, बट यू थिंक ही अंडरस्टूड। तो तुम भी तो इतनी बिजी रहती हो फरीदा, अगर टिपिकल हाउसवाइफ इतना घर में रहती ना तो पूरा दिन ये सोच रही होती मेरा मियाँ कब घर आएगा, मेरा बच्चा कब घर आएगा। आपा ने पैसे तो नहीं मांगे? नहीं नहीं पैसे नहीं मांगते। बसीरत ने 2-3 मरतबा कोशिश की है मदद करने की लेकिन वो बिल्कुल मना कर देते हैं। फिर भी तुम्हें चेक तो रखना चाहिए, ये जो बहनें होती हैं ना ये कभी कभी बहुत मैनिपुलेट करती हैं भाइयों को और वो उनकी मोहब्बत में अपने बच्चों तक को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार ऐसी कोई बात नहीं है, बहन है उनकी, अगर फाइनेंशियली हेल्प कर भी देते हैं तो उसमें कोई मसला तो नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा दफ्तर से नहीं आई अभी तक? एक्चुअली आई थिंक वो काम से निकल कर गई है स्विमिंग करने के लिए, आती ही होगी। आती ही होगी नहीं, आ चुकी है। कैसी हो? बस सब खैरियत? सब खैरियत तो है ही लेकिन आपके परफेक्शनिस्ट बेटे ने मुझे पागल करके रख दिया। हर चीज में परफेक्शन चाहिए। ओहो अगर अभी नहीं संभाल पा रही तुम उससे तो शादी के बाद कैसे संभालोगी? कर लूंगी गुजारा फरीदा आंटी। मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जब सारा और अशर की शादी होगी और हम दोनों बहनों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा। और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन सारे मेरी बहू बन के घर आएगी। क्या फरीदा आंटी, सिर्फ आप और मम्मी ये बातें मुझसे करते रहते हैं, आपके वो बेटे मिस्टर अशर और मेरे बेस्ट फ्रेंड वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, तुम तो जानती हो वो तुम्हें कितना चाहता है। गिव हिम सम टाइम। मैं अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, अभी आ जाता हूँ। तोबा तोबा, आजकल के बच्चे चीख चीख कर गला खुश्क हो गया, ऊपर से लगातार पीरियड्स। शुक्र है कि ये पीरियड तो फ्री है। अरे क्या हुआ मैमुना, तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं बानो आपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज फिर बहुत दर्द हो रहा है। तुमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया ना, डॉक्टर कब से कह रहा है? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। 1.5 महीने से तुम ये सर का दर्द बता रही हो, हद है लापरवाही की। आज छुट्टी के बाद मैं तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराने ले जा रही हूँ, समझ गई ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे क्या ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, बताओ, बहुत दर्द है। उठो उठो फिर चलो मेरे साथ, उठाओ अपना बैग, मैं बता देती। कोई बड़ी प्रॉब्लम ना निकले, मुझे नहीं लगा बड़ी प्रॉब्लम निकलेगी।
जिंदगी गुलजार जैसा सीन है क्या ऑडियो का? क्या होगा बतूल आपका? कुछ नहीं होगा, तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओ। खैरत को कुछ मत बताइएगा, उसको मेरी बीमारी का पता चला तो बिल्कुल अपने हाल पांव छोड़ देगी। मेरा ख्याल है कि तुम कराची से अपने भाई को बुला और उसके साथ वहां जाकर किसी बड़े डॉक्टर को मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो बसीरत, मैं अभी मरना नहीं चाहती। आपा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सुबह आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपा। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बस दो घंटे में मैं आपके पास हूंगा। आप अपना और खिरत का सामान पैक कराएं बस। हाँ मैं आ रहा हूँ। ज्यादा परेशान मत होइएगा, रखना और गाड़ी आराम से चलाना। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो सारे सिमिलर हैं, जिंदगी पूरा जो लुक एंड फील है। ही ओ फर्स्ट हाफ में ऐसा वही इतना हेवी था ये एपिसोड, लाइक ऐसा लग रहा है हम ऑलरेडी काफी आगे आ गए सेक्स को ये एपिसोड देख रहे हैं। एंड इमोशन वाइज मुझे लगा था फर्स्ट पार्ट में ही ये इतना कनेक्ट कर सकता है क्योंकि बहुत स्ट्रांग था। एक्टिंग वाइज आई थिंक पुराने जो भी मूवीज होते थे ये सब में एक खासियत होती थी कि एक्टर्स एक तो बहुत स्ट्रांग होते थे, भले तुम्हारे कैमरा एंगल्स कैसे भी हो, क्वालिटी कैसी भी हो, क्या लाइटिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ काफी अच्छा लगा, या पर काफी अच्छा भी लगा कि फर्स्ट पार्ट में ही इतना हम इंडल्ज हो पाए। मुझे पहले लगा था कि ये जो भाई की बीवी है ना ये थोड़ी वैम्प टाइप की होगी, बट थैंकफुली एटलीस्ट अभी तक तो स्टैंड ले रही है कि अगर कर भी दे है तो उसमें क्या बड़ी बात है।
वो इनिशियली आई थिंक द वे शी वाज मेकिंग फेसेस जब वो कॉल पे बात कर रहे थे तो काफी ऐसे कंफ्यूजिंग हो गया भाई, वो ऐसा लग रहा था ये वैम्पायर हां कि बदमाश नहीं है या कुछ, बट बाद में जब वो अपनी फ्रेंड से अपनी बहन या फ्रेंड से बात कर रही थी तब वो बहुत ऐसे थे कि नहीं यार कर भी देते फर्क पड़ता वाला, तो आई जस्ट होप ही अच्छे हो। आई गेस अब स्टम्प्स दोनों रहने वाले हैं इनके, देखते हैं अगले एपिसोड पे चलते हैं। ये एपिसोड काफी हैवी, एक तो पहले वाले सीरीज का ये पॉइंट होता था कि वो बहुत स्लो होते थे, अरे आराम से टाइम लेकर वो लोग एक ही इमोशन को लेते थे पूरा, तो ठीक है अभी आगे देखेंगे, हमारा सफर काफी लंबा होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड राजे के सीन।